हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। तो सबसे पहले तो आज सभी बहनों को तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैंने काफ़ी दिनों में व्लॉग बनाया है क्योंकि आज तीज थी, तो मैंने सोचा चलो तीज के ऊपर ही व्लॉग बनाते हैं। और रूटीन तो सबका एक जैसा ही रहता है, बार बार वही रूटीन शेयर करके बोरिंग सा लगता है। तो आज हमारे घर के बुजुर्गों की फरमाइश थी कि तीज में पूड़ों का बन पूड़े खाएंगे, तो हमने सोचा चलो पूड़े ही बना देते हैं। कुछ ना कुछ बनाना तो था ही डेली रूटीन से हटकर। तो अगर बड़े बुजुर्गों को खाना पीना अच्छा मिल जाए, पहनना अच्छा मिल जाए, तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर बच्चों का मन करता है तो कुछ ऐसा वैसा खाने का तो वो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं हजम होता है। तो आज मैंने तीज के मौके पर ये मेहंदी लगवाई है। रूबन ने ही लगाई थी, एक हाथ में तो कीप से लगाई थी और एक में ईयरबड की हेल्प से लगाई थी। तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, नहीं तो मैं आपको मेहंदी लगाते हुए भी एक मेहंदी की वीडियो भी शेयर करती आपसे। तो जो ये पूड़े हैं, और पूड़े बनते हैं मीठे, तो साथ में नमकीन चिल्ले भी ज़रूर बनते हैं। तो इनमें मैंने क्या क्या डाला है तो वो मैं शेयर कर लेती हूँ। मोस्टली जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं वो तो जानते होंगे, बट जो दूसरी स्टेट्स के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए नई रेसिपी है ये। तो मीठे पूड़ों के लिए चीनी, पानी और गेहूं का आटा मैंने लिया है, और इसको कंसिस्टेंसी मैंने दिखाई वैसा ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक होने पर अच्छे से नहीं बनते। और बस उसको मैंने, मेरे पास इलेक्ट्रिक वो है, आटा गूंदने का है मशीन, तो मैं उससे कर लेती हूँ। उससे क्या लम्स वगैरह नहीं रहते हैं, हाथ से लम्स वगैरह रहने की चांसेज रहते हैं। तो ये देखिए चटनी का कलर, चटनी मैंने उससे बनाई थी, क्या नाम, अनियन नहीं डाला था, दही से और नमक, मिर्च, जीरा और धनिया पाउडर पिसा हुआ, उस वो डाल के बनाई थी। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, बिना अनियन और बिना टमाटो के भी बहुत अच्छी चटनी बनती है, धनिया पत्ता की ग्रीन वाली, कभी आप ट्राई कीजिएगा। और फिर ये तो थी मीठे पूड़े की रेसिपी। और ये जो मैं चिल्ला बना रही हूँ बेसन का, ये इसमें मैंने धनिया पत्ता कटा हुआ, एक अनियन और दही, थोड़ी सी खटास के लिए बस थोड़ा सा, और जो भी आप मसाला डालना चाहते हैं, नमक, मिर्च, काली मिर्च, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, जो ज़्यादा अच्छा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो तेज मिर्च डाल सकते हैं लाल वाली, अगर मीडियम सा खाना चाहते हैं तो एक हरी मिर्च भी मैंने इसमें काटी है, तो हरी मिर्च भी आप ज़्यादा काट सकते हैं। तो इसको ये देखिए, और ये मैं देसी घी में बना रही हूँ। और अब सबका खाना पीना हो चुका था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। ये देखिए मैंने मेहंदी के साथ साथ नहाने के बाद ये पहन ली थी चूड़ियाँ, वैसे तो हरे रंग की पहनते क्योंकि ये हरियाली तीज होती है, लेकिन मेरे पास हरी नहीं थी, मेहंदी रंग की थी, तो इसलिए मैंने ये पहन ली। और ये नेक्स्ट बॉडी की क्लिप है, कल तीज वाले दिन पका हुआ खाना खाया था, पका हुआ मतलब हैवी। तो आज मैं रात को ही मैंने दाल बनाई थी और सुबह मैं ये तोरी बनाऊंगी, कटी हुई रखी हुई है मैंने। और सूखी सब्जी तो मैं सरसों के तेल में छोंकती हूँ, लेकिन तोरी है या फिर ग्रेवी वाली सब्जी है, दाल है, वो मैं देसी घी में छोंक लगाती हूँ। और देसी घी मैंने डाल दिया है इसमें, जीरा और हींग भी ब्राउन हो गए हैं, डले हुए हैं। अब बारी है तोरी डालने की। तोरी बिल्कुल बनने के बाद थोड़ी रह जाती है, इसलिए उसके हिसाब से नमक, मिर्च और हल्दी डालनी है। तो बस इसको डालने के बाद, थोड़ा मसाला मिक्स करने के बाद मैं इसको बंद करके रख दूंगी सिम पे, और बनती रहेगी।
और हाँ, तीज का फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम, जो मैरिड लड़कियां होती हैं उनके घर से कोथली आती है। कोथली मीन्स उसमें खाने पीने का सामान होता है, घेवर वगैरह, और नए कपड़े होते हैं सबके लिए। सबके लिए मीन्स लड़की के, उन लड़की के लिए, मतलब जो मैरिड लड़की होती है उसके मायके से आता है तो उसके लिए, ओबियस उसके लिए ही होंगे, और मेकअप का सामान होता है। तो इसको हमारे यहाँ कहते हैं कोथली। और शादी के बाद जो पहला सावन आता है उसको जाता है सिंधारा, उसमें जाते हैं सबके कपड़े लत्ते ससुराल में, जो फैमिली मेंबर होते हैं क्लोज उनके कपड़े भी जाते हैं और ये सब जाता है। वो थोड़ा भारी होता है। और उसके बाद जो हर साल कोथली आती है, सावन आता है, तब सिर्फ लड़की का जाता है। और ये शगुन होता है, और बहुत मतलब हरियाणा में तो वेट करती हैं लड़कियां इस त्यौहार की। और सुबह ही रात को ही मेहंदी लगा के सुबह नहा धो के नए कपड़े पहनते हैं, नए खाना पीना खाते हैं और झूले झूलते हैं, जो कि मेट्रो सिटी में नहीं होता है, क्योंकि आजकल मेट्रो सिटी में या बड़ी सिटीज में सब लड़कियां, मोस्टली लड़कियां वर्किंग हैं तो उनको इतना टाइम नहीं होता है। तो वो खाना पीना कह सकते हैं, बस खा सकते हैं। और क्योंकि झूला वूला तो आजकल क्या है, छोटे छोटे मकान हैं तो उनमें जगह ही नहीं होती। हरियाणा में तो बड़े बड़े घर होते हैं तो वहाँ पर झूला डालने की स्पेस भी होता है, गांव में भी होता है, बट मेट्रो सिटी में कहाँ होता है। तो इसलिए बस थोड़ा लिमिटेड ही एंजॉय करते हैं त्यौहार का। बट फिर भी अगर हम त्यौहार को थोड़ा सा बनाए रखें, उसको एंजॉय करते रहें, तो जो नई पीढ़ी है वो भी इससे थोड़ी जुड़ती हुई, या उनको भी थोड़ी नॉलेज बनी रहती है त्योहारों के बारे में, चाहे वो छोटा फेस्टिवल है चाहे वो बड़ा फेस्टिवल है। और जब भी कोई छोटा त्यौहार या बड़ा त्यौहार आता है, एक नई उमंग सी भर जाती है, और स्पेशली जब आपसे रिलेटेड होता है तो आपको अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। ये था मेरा तीज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगी है, व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और अच्छे से अच्छे व्यूज दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो मेरे ख्याल में आपके घरों में भी जो तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ऐसे ही सेलिब्रेट करते होंगे। कैसे करते हैं आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर मुझे बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं, नए व्लॉग में या नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।